अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल साहब टेलरिंग। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा एक पिंसेस कट ब्लाउज बैक ओपन। दोस्तों ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, एक एक करके मैं डिटेल्स बोलूँगा, आप लोग पूरा वीडियो वॉच करना। पूरा वीडियो वॉच करेगा तभी वीडियो कुछ समझ में आएगा मेरा कटिंग। वीडियो वॉच करने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने को मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों अगर मेरा चैनल पर नया हो तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रख दीजिएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो, अच्छा अच्छा कटिंग का नॉलेज का वीडियो आप लोग का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये एक देख सकते हो, ये एक लाइलिंग फैब्रिक है, इसमें मैं कटिंग करके बताऊँगा। ये मैं 1.5 मीटर कपड़ा ले चुका हूँ, अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं लंबाई का मार्क करूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो ब्लाउज का मेजरमेंट ये है, इसमें लंबाई का मैं मार्क करूंगा, जो लंबाई है 13 इंच। ये बैक पीस कटिंग हो रहा है दोस्तों। उसके बाद जो इसका शोल्डर है 15, उसके बाद इसका जो आर्म होल गिरेगा 6.5 इंच पे। उसके बाद इसका जो ब्रॉडिंग होगा, उसके बाद इधर 1/2 इंच डाउन कर देंगे। उसके बाद इधर इसका जो डॉट पॉइंट है उससे आप एडजस्टर, जैसे बैक में मार्किंग होता है, बैक डॉट के लिए इस लाइन को सीधा करके 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर। अब दोस्तों इसका जो चेस्ट में 35, डिवाइडेड फोर से कर देगा मार्किंग, और इधर 28.5 डिवाइडेड फोर से करके 1 इंच डॉट के लिए पकड़ कर इस लाइन को सीधा कर देगा, 1.5 इंच मार्जिन रख देगा। अब इस लाइन को इस तरह से इसको कर देगा। अब इसका बैक थोड़ा डिजाइन नेक बनेगा, तो उसके लिए पहला डिजाइन के लिए दूसरा डिजाइन का निकल डीप जितना होगा उसका हिसाब सबको टाइप पैटर्न रेडी हो गया। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब इसका प्रिंट कट करेंगे। ओपन के लिए इधर मार्क कर लेना है, उसके बाद इधर जो मार्किंग है सेम उस मार्क में इसको कट कर लेना है। इस मार्किंग को
इसका जो डॉट का पॉइंट है उसमें मार्क करे है 8.5 में। अब इधर से जो डॉट टू डॉट का बेस्ट टू बेस्ट है डायरेक्ट मार्क करेंगे, इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब इसका जो पैंट का लंबाई है फोर्टीन इंच, उसमें ऐसा 2.5 इंच का टक्स ले लेंगे। अब इस लाइन को इधर ये मार्किंग से 2 इंच ऊपर इसको सीधा कर देंगे। अब इसका इस तरीके से फिनिश शेप को जिसका बेस्ट एंड हो रहा है इधर उधर मार्क करके इसका मार्क हो गया। अब इसके बाद इसका जो बेस्ट है 36 वो मार्किंग करेगा, इधर 8.5 आ रहा है साढ़े आठ के बाद 18 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद इधर से थोड़ा कर लेना। अब इधर से जो मार्किंग आ रहा है उसका मार्किंग पे मार्क कर लेना है, इस लाइन को ऐसा सीधा कर देना है। अब इसको ऐसा ही कट करेंगे फर्स्ट, उसके बाद इसका जैसा आम होल कम होता है फ्रंट साइड उसको कम कर देंगे 8 इंच अंदर। इधर भी 1.5 इंच मार्जिन, इधर भी 1/2 इंच मार्जिन रख के कट सिस्टम का कस्ट कर लेंगे। उसके बाद ये फिनिशर्स कट पार्ट को निकालेंगे। इसका ऊपर ऐसा रख के अलग फैब्रिक में अभी ट्रेसिंग व्हील रख के मार्क करेंगे। इसका जो सेंटर है उधर मार्क करेंगे, इधर भी मार्किंग कर लेंगे। अब इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से मार्क कर लेंगे। मार्क कर लेने के बाद आप लोग को समझने में इजी होगा इसलिए डिस मार्क कर दिया। अब इसको कट कर लेंगे, इधर साइड 1/2 इंच मार्जिन रख देंगे बाहर साइड, अब इस लाइन जैसा आप खुद लोग कटिंग किया इधर सेंटर के निशानों के लिए मार्क कर देंगे। अब इसका बॉडी पार्ट को कट कर लेंगे, इसको थोड़ा शेप दे देंगे। अब ये वेस्ट का मेजरमेंट भी चेक कर लेना है, 3 इंच आ रहा है। 3 इंच के बाद
ये जैसे ज़्यादा हो रहा है इधर और थोड़ा सेप दे देंगे। अब इधर 3 इंच आ रहा, 3 इंच के बाद 7.12 में आना चाहिए, 7.1 होना चाहिए। उधर से इस लाइन का ऐसा सीधा मार्क कर दीजिए। ये हो गया फिंसेस कट। अब इसको बॉडी हम कट करेंगे। अब इसका जो नेक का डीप है चेन पे मार्क कर देंगे। हम इसका राउंड शेप दे देंगे। अब दोस्तों देखना है ये जो मेजरमेंट है इधर भी सेम मेजरमेंट आना चाहिए। इधर से इसका हम कट कर लेंगे। इधर से भी इसको मैच करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है इसको भी हम इसे कट कर लेंगे। ये है बैक पार्ट, ये है फिंसेस पार्ट, ये है बॉडी पार्ट। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा यही तक था। आई होप आपका लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और मेरा चैनल पे नया हो तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार ऐसा ही अच्छा नॉलेज वाला कटिंग लेके। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।